लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 सीट के लिए मतदान शुरू हो गया है। तीसरे चरण में भाजपा का बहुत कुछ दांव पर होगा, जिसने पिछले आम चुनाव में गुजरात, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्थित निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतर पर जीत हासिल की थी। कुल 93 सीट के लिए 1300 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 120 महिलाएं हैं, जबकि पात्र मतदाताओं की संख्या 11 करोड़ से अधिक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान किया और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार हैं। शाह के सामने कांग्रेस की सोनल पटेल मैदान में है। अमित शाह ने 2019 में भी अहमदाबाद से जीत दर्ज की थी। वही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक औसत मतदान 9.90% रहा। असम में 10.12%, बिहार में 10.03%, गोवा में 11.83%, गुजरात में 9.83%, कर्नाटक में 9.45% और मध्य प्रदेश में 11.71% मतदान हुआ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।